जीत फिक्स। सोचो धरती रुक गई तो क्या होगा, सोचो अगर हवा रुक गई तो क्या होगा, सोचो अगर किसी ट्रेन का सफर 2000 किलोमीटर है और वो 400 किलोमीटर पर जाके ही रुक गई तो क्या होगा, सोचो अगर पूरी पृथ्वी का पानी समंदर में ही जम करके एक जगह पर रुक गया तो क्या होगा, सोचो अगर डॉक्टर ऑपरेशन करते करते बीच में रुक गया तो क्या होगा। सबका एक ही जवाब है कि उनका होना ना होने के बराबर हो जाएगा। धरती घूमने से रुक गई तो उसके होने का कोई फायदा नहीं, असंतुलन हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। ट्रेन का बीच में रुकने से अच्छा है वो चले ही ना, क्योंकि बीच में रुकने वाला ना इधर का होता है ना उधर का। अगर नेचर में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि जल चक्र बंद हो गया तो भी जीवन समाप्त हो जाएगा, और अगर डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए रुक गया तो फिर उसका बेहोश मरीज कभी भी होश में नहीं आएगा। अगर शुरू कर दिया है तो खत्म करके छोड़ो, अपना मकसद पूरा करके छोड़ो, चाहे कितना भी बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े, तुम्हारा हमेशा मेहनत करना ही तुम्हारे जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है। और अगर लाइफ में तुम कुछ नहीं करना चाहते तो जियो एक मुर्दे की तरह, जिंदा लाश बनकर, हमेशा काम ना करने के बहाने ढूंढते रहना। बिजली चले गई तो मोमबत्ती जला के पढ़, जिम जाने के पैसे नहीं है तो बाल्टी में पानी भर के बाइसेप बना, धरती पर पसीना बहा के सिक्स पैक बना। अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा तो किसी और के मोबाइल से बात कर, खत्म कर और काम पर लग जा, वेट मत कर नेटवर्क के आने का। अगर स्टैंड पर बस नहीं आ रही तो भीड़ से थोड़ा हटकर स्मार्टफोन में खोए हुए इंसानों की तरफ देख के सोच कि तू आज इस भीड़ का हिस्सा क्यों है। नहीं चाहता था ना तू भीड़ का हिस्सा बनना, तो फिर जो शुरू तूने किया है उसको खत्म कर। चाहे तू किसी भी टाइम में हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी मौसम में हो, बड़ी बड़ी दिक्कत यह है कि तुम बार बार घड़ी की तरफ देखते रहते हो। क्या देख रहे हो, अरे वो नहीं रुकने वाला। अगर तू कर सकता है तो इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत लगा, उसको देखना बंद कर और जितनी स्पीड से वो टाइम भाग रहा है उतनी ही ताकत से तू भी अपने काम में, अपनी मेहनत में, अपनी पढ़ाई में मन लगा। जब तुम भी नॉन स्टॉप मेहनत करोगे तभी तुम टाइम के साथ ढल पाओगे। किसी महान काम को अंत तक अंजाम देने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। अगर कोई महाराजा युद्ध करने जाता है तो वो अंत तक लड़ता है, जब तक वो विजेता ना बन जाए या फिर जब तक उसके प्राण ना चले जाए। आज तुम्हें कोई दुश्मन के पास नहीं भेज रहा, क्योंकि ऊपर वाले को पता है कि तुमने तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन खुद को ही बना रखा है, जिससे तुम कभी जीतना तो छोड़ो जीतने की सोचते भी नहीं। जिस दिन तुम दुनिया को डील करने से पहले खुद को डील करना शुरू कर दोगे उसी दिन से तुम जिंदा माने जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खुद का खुद के काबू से भागना ही तुम्हारी मेहनत को बीच में रोकने की सबसे बड़ी वजह है। तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं रोकता है, ये तुम्हारी इंद्रियों का स्वार्थ है जिसको काम चोरी में मजा आने लगा है। चकना नहीं पड़ता, पसीना नहीं बहाना पड़ता, आंख की किताब में नहीं घुसानी पड़ती, मीठे मीठे काल्पनिक सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। धीमे चलो या तेज चलो लेकिन चलते रहो, लेकिन इतना धीमे भी मत चलना कि टाइम तुम्हें पछाड़ दे, क्योंकि सब सिर्फ और सिर्फ टाइम का ही खेल है। अगर किसी के पास अनंत समय होता तो चाहे कुछ भी करता, 200 बरस भी लगातार मोबाइल पर गेम खेलता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम अपना हार्ड वर्क बीच में ही ड्रॉप कर दोगे तो दुनिया के करोड़ों इंसान तुमसे एक झटके में आगे निकल जाएंगे। लोगों की कमी नहीं है यहां, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग हमेशा आगे बढ़ने को सीरियसली लेते हैं। वो लोग हर कंडीशन से ऊपर होते हैं, उनके अंदर के हार्मोन हमेशा उनको एक ही डायरेक्शन में पुश करते हैं कि कुछ भी हो जाए जो मकसद मेरा है उसके लिए हमेशा मेहनत करूंगा, कभी नहीं रुकूंगा, मैं हमेशा सिर्फ वही बहाने ढूंढूंगा जिससे मैं इस दौड़ रहे वक्त के साथ चल सकूं। मैं अपने इस अंदर वाले इंसान को मेरा गुलाम बनाऊंगा, ना कि गुरु, क्योंकि जितने भी सफल इंसान हुए ना उन्होंने हमेशा मेहनत करी है, वो कभी रुके नहीं, उनके लिए भी यही भीड़ थी, यही मौसम थे, यही शरीर था, और अगर करना चाहते तो उनके लिए भी कई बहाने थे। वो लोग मोटिवेशनल स्पीच सुनते थे या नहीं सुनते उनका मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग कंसिस्टेंट थे, वो लोग लगातार काम करते थे और यही राज था। आपकी जीत को फिक्स करने के लिए हम ऐसे बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे, वीडियो फॉरवर्ड करना और जुड़े रहना। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।